हाय दोस्तों, यामाहा ने अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए नया रेट्रो स्कूटर लॉन्च किया है। ये 125 सीसी का स्कूटर है, नाम है फैजियो। इस स्कूटर में कई फीचर भारतीय बाज़ार में मिलने वाले फैसिनो 125 से मिलते जुलते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। फैजियो के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फैजियो को पावर देने के लिए 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर मोटर है, जो 8.4 bhp की मैक्सिमम पावर और 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। वहीं यामाहा फैसिनो 125 की मोटर 8.04 bhp और 10.3 न्यूटन मीटर बनाती है, यानी आउटपुट के मामले में फैजियो थोड़ा सा बेहतर है। फैजियो में LED हेडलाइट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। साथ ही में एक USB स्लॉट भी दिया हुआ है, जो चार्जिंग करने के लिए काम आएगा। ये बिना चाबी के ऑपरेशन करता है। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स और रियर में एक मोनोशॉक मिलता है, जबकि ब्रेकिंग के लिए इसमें फ्रंट डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक शामिल है। वहीं इसमें 5.1 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। थाईलैंड में यामाहा फैजियो के बेस वेरियंट की कीमत लगभग भारतीय करेंसी के अनुसार 1,20,000 रुपये रखी गई है, जबकि स्मार्ट की ट्रिम के साथ में कीमत जो है 1,23,000 रुपये रखी गई है। इसे भारत में लाया जाएगा या फिर नहीं, इसके अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। लुक और फीचर को देखते हुए आपको ये स्कूटर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के नए ऑटोमोबाइल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।